मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज में इन दिनों कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर हमला बोल रही है, जिसके चलते बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अर्जुन आर्य ने नसरुल्लागंज की मंडी में किसानों को एकत्रित कर रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां धरना देते हुए शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए शिवराज सरकार को लुटेरी और झूठी सरकार बताया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अर्जुन आर्य ने SDM को ज्ञापन सौंपा और कहा कि अगर 24 घंटे में सरकार ने समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की घोषणा नहीं की तो आमरण अनशन की जाएगी। समर्थन मूल्य में फसल ही नहीं बिक रही, उसके पास तो खुद के पास पैसा नहीं है, तो ना सरकार इनको पैसा दे रही है, यानी कि सरकार जो दोहरी मार से गरीब किसान और कमेरे व्यक्ति को जो दिन भर कमा के अपना घर चलाता है उसको ये शिवराज सरकार लूटने का काम कर रही है। मैं समझता हूँ काले कारनामों की ये काली शिवराज सरकार बेहद घिनौनी सरकार है और इसके खिलाफ आज हम लामबंद हुए हैं और हमने SDM महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि 24 घंटे के अंदर हमारी इन तमाम समस्याओं को अगर सरकार हल नहीं करती है तो हमें मजबूरन जो है अमरण अनशन सत्याग्रह बगैर अन्न ग्रहण किए करना पड़ेगा। खबर मध्य प्रदेश के लिए नसरुल्लागंज से वसीम खान की रिपोर्ट।